बेस्ड ऑन द कन्फेशन ऑफ एक्यूज जो कि अन्य मटेरियल फैक्ट से कोरोबोरेट है एक्यूज कही कि तार विक्टिम का मोबाइल फोन से ही एट द साइट ऑफ डिस्पोजल से बंद कर दी थी जलाई दी थी मोबाइल सिना जलीगला कॉल डिटेल्स जांच करिबो त पुलिस ममिता मोबाइल रे थिबा वीडियो केउठु आसी आउ कहा मोबाइल को ममिता वीडियो पठाई नहंती त काई के दिगरे जांच करिबा नै कुंठाबद्ध प्रकाश करूछि पुलिस ममिता फोन को जलाई देथिबा मानिछि गोविंद तेबे इठी कोन पुलिस रो तदंत सरीजिबो कि ममिता को मोबाइल ले मोहालिंग मिस्ट्री गुआडे गला ममिता को मोबाइल रे थिबा वीडियो पई होइछि कि मर्डर डीआईजी कहिले मोबाइल ऊपर रहिछि नजर वीडियो रे थिले कि कैप्टन रहस्य पढ़ाऊ ममिता मोबाइल जो मोबाइल रे थिला दुई वीडियो एई दुई वीडियो देखाई हत्याकारी गोविंद साहू को चैलेंज करथिले ममिता कुआडे गला ममिता सिम कुआडे गला ममिता मोबाइल ए नंबर को आसीथिबा कॉल भी करथिबे ममिता कहिथिबे सनसाइन स्कूल रे चलीथिबा छात्री अत्याचार रो गुमर पर्दा हटाइथिबे गोविंदक कलाकार नामर हेले मोबाइल गायब मोबाइल मिलिले हेबो बड़ खुलासा तेबे डीआईजी दीपक कुमार कहिछंती मोबाइल मिली नाही तापर पुलिस भी नजर रही 14-17 4 दिन पर्यंत गोविंद को कहीं दि जाइला आतिथ्य यह समय प्रमाण नष्ट होना तो षड्र नष्ट हो जाएना तो सिम डिलीट हो जाए कि वीडियो और जाशु मोबाइल गायब कर दि जाए कि आसब बस को बचाईवा नुहे तो गोविंद साहू को जिते डिटेन किया समय दुटा मोबाइल सीज किया गोविंद साहू को जिते बड़े अरेस्ट किया गला ता पाखरे एक छुड़िया मोबाइल थिला सेति पई मु कहली कि हमारा से केस सेपरेट केस अछि तार किछि फील्ड इन्वेस्टिगेशन चली छि और किछि फील्ड इन्वेस्टिगेशन रही जाय छि सेटा को हमें निश्चित अपन को जनाइबो बेस्ड ऑन द कन्फेशन ऑफ एक्यूज जो कि अन्य मटेरियल फैक्ट से कोरोबोरेट है छि एक्यूज कही छि कि तार विक्टिम का मोबाइल फोन से ही एट द साइट ऑफ डिस्पोजल से बंद कर दे जलाई दे मोबाइल ले लुचि ममिता मर्डर रो मिस्ट्री किंतु सेपटे गोविंद को समय स मोबाइल और तारी भितर थिबा प्रमाण को नष्ट कर दिया जाय छि किंतु एहारे भितर सबुठु बड़ा प्रश्न मोबाइल छड़ाउ केउठी आउ केउठी मोबाइल रो डाटा को साइती रखिथिले कि ममिता आउ कहा मोबाइल किंबा मेल को सेंड करिछंती कि वीडियो और तथ्य जदि एमिति होइथाय तबे आगो को ममिता हत्याकारी और ता पछपटे थिबा निर्देशकक पर्दाफाश होइजिवो बलांगीर कैमरा पर्सन रवि संतोष जेना उत्तरण साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।